बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 2021 अकाउंटिंग इक्वेशन, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। तो भाई फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन हम करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन के अंदर कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि आपके एसेट लाइबिलिटी ऑनर्स इक्विटी में कोई एक चीज मिसिंग होती है जिसे आपने फाइंड आउट करना होता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं सबको इंक्रीज डिक्रीज शो करना होता है। तो ये जो आज का सवाल है वो बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन है कि चीजें प्लस माइनस किस तरह होती है और उसका इम्पैक्ट क्या आता है। जैसे हम बात करते हैं ऑनर्स इक्विटी की, तो इसमें ऑनर्स इक्विटी यानी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी जिससे कैपिटल बढ़ता है तो प्लस होगा, कोई ड्राइंग होगी तो ऑनर्स इक्विटी माइनस होगी। लेकिन सिर्फ ऑनर्स इक्विटी के पे इफेक्ट जो है वो सिर्फ इसके अपनी कैपिटल के थ्रू नहीं आता, प्रॉफिट और लॉस के थ्रू भी आता है। जैसे कोई भी आपका प्रॉफिट होगा तो ऑनर्स इक्विटी बढ़ जाएगी, कोई भी नुकसान या खर्चा होगा तो आपकी ऑनर्स इक्विटी कम हो जाती है। तो लाइबिलिटी स्ट्रेट आपकी प्लस माइनस होती है, ठीक है। अगर कोई कर्जा बढ़ेगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस होगा। कोई भी एसेट्स अगर आपका प्लस होगा तो यानी आया तो प्लस और गया तो माइनस होगा सीधा सीधा। अच्छा जी, तो पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रही है, हम पहले पूरा सवाल रीड कर लेते हैं। गिवन बिलो द ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर माजिद अ सोल ट्रेडर इग्नोरिंग अमाउंट, यानी अमाउंट आपने नहीं लिखा इसके अंदर, कोई भी अमाउंट वगैरह अगर आता भी जैसे लिखा हुआ नहीं है, यानी अमाउंट नहीं आने से ये बताने से इंपैक्ट क्या आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज किस तरह हो रहा है। तो पहली ट्रांजेक्शन आपके पास है मिस्टर माजिद इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, दूसरी है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, तीसरी है बोरोड कैश फ्रॉम बैंक, चौथी है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एड मर्चेंडाइज मोर देन कॉस्ट, फिर पेड सैलरी एक्सपेंस, उसके बाद है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ये सारी ट्रांजेक्शन है, उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, इंडिकेट द इफेक्ट्स of the above transactions on the elements of accounting equation using plus for increase, minus for decrease and zero for no change। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाली मैंने, ट्रांजेक्शन लिखी पहले, फिर एसेट्स लायबिलिटी या नॉन एसेट के इन पे क्या इंपैक्ट आएगा ईच सिंगल ट्रांजेक्शन का। तो पहली है मिस्टर माजिद इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, माजिद ने पैसा लगाया है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, पहले लिखते हैं ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन बात है एक लिखा मैंने। अब यहाँ क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की है तो भाई एसेट बढ़ेगा और ऑनर्स इक्विटी बढ़ेगी, एसेट प्लस होगा और ऑनर्स इक्विटी प्लस होगी, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। एसेट बढ़ गया प्लस, ऑनर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ गई प्लस, लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आया तो हमने लिखा जीरो। ठीक है, एसेट बढ़ा प्लस, ऑनर्स इक्विटी बढ़ी प्लस, लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आया तो हमने क्या लिख दिया उसके साथ, जीरो लिख दिया। बी पे आते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अच्छा, मर्चेंडाइज जो है आप जब परचेज करते हैं तो बेसिकली आपका एक्सपेंस होता है, सेल करते हैं तो आपका रेवेन्यू होता है, क्योंकि मर्चेंडाइज होता है कि आपका बिजनेस, आप जो बेच रहे हैं उसे आप मर्चेंडाइज कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ताल्लुक बेसिकली ऑनर्स इक्विटी से, मर्चेंडाइज से, और आपने उधार पे खरीदी तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी पहले तो, ओके कर लिखा मैंने बी, ठीक है ना। तो इसका एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है, लाइब्रेरी बड़ी प्लस और मर्चेंडाइज खरीदी तो ऑनर्स इक्विटी आपकी कम होगी, खर्चा है ना बेसिकली, खर्चे से ऑनर्स इक्विटी आपकी माइनस हो जाती है, बाकी एसेट में कोई फर्क नहीं आया तो क्या लिखा हमने, जीरो लिखा। ठीक है, क्या लिखा हमने, इस पे जीरो लिख दिया क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं आया, ठीक है ना। ओके अगली एंट्री पे आते नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद फिर हम तीसरी एंट्री लिखा मैंने सी पार्ट, बोरोड कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने कर्जा लिया, बोरोड कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने कर्जा लिया, पैसा आया या गया, तो भाई पैसा आया, पैसा आया तो एसेट्स क्या हो जाएगा प्लस, और कर्जा लिया तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, कर्जा लिया है ना तो लायबिलिटी भी आपकी प्लस हो जाती है, ठीक है। बाकी ऑनर्स इक्विटी में कोई फर्क नहीं आया तो हमारे लिखेंगे जीरो, फिर कर्जा लिया है एसेट्स आया और लाइबिलिटी बढ़ी है और ऑनर्स इक्विटी में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है, एक एसेट्स आया कैश के नाम से और लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, ठीक है। बात है डी पे, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एट मोर देन कॉस्ट, आपने मर्चेंडाइज बेची उधार पर, तो उधार पर बेची तो पैसा लेना है, लेना है तो एसेट्स आपका इंक्रीज होगा, पहले डी लिखा मैंने। तो रिसीवेबल एसेट्स, उधार भी बेची ना पैसा लेना है रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल एसेट्स है तो रिसीवेबल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा,
तो जब रिसीवेबल बढ़ेगा, एसेट्स है, बढ़ता है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो हम एसेट्स को प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मर्चेंडाइज, मैंने बताया था मर्चेंडाइज खरीदते हो तो आपका परचेज यानी एक्सपेंस होता है, बेचते हो तो आपका रेवेन्यू होता है, तो यहाँ आपने मर्चेंडाइज बेची है तो आपका रेवेन्यू हुआ है। अच्छा, खर्चा होगा तो ऑनर्स इक्विटी कम होगी, फायदा होगा रेवेन्यू होगा तो ऑनर्स इक्विटी बढ़ जाती है, ठीक है। खर्चा होगा तो ऑनर्स इक्विटी कम हो जाती है, फायदा होगा तो ऑनर्स इक्विटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहां में क्या हो रहा है, बेचा है तो हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा को तो ऑनर्स इक्विटी बढ़ जाएगी और लाइबिलिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है। ओके भाई, अगली ट्रांजेक्शन पे आते हैं हम। अच्छा भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। डी के बाद आते हैं ई पे, पेड सैलरीज एक्सपेंस। किस पे आते हैं, पेड सैलरीज एक्सपेंस। तो भाई सैलरीज एक्सपेंस पे कर रहे हैं, किस तरह पे होगी भाई, देखो सैलरी एक्सपेंस आपका खर्चा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, सही, सैलरी पे करी ना, पैसा गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, खर्चा हुआ तो खर्चे से ऑनर्स इक्विटी क्या हो जाती है, वो भी माइनस हो जाती है, ठीक है ना। आपने सैलरी पे करी, खर्चा हुआ, खर्चे से ऑनर्स इक्विटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, जीरो। सही, आपने सैलरी एक्सपेंस पे किया, खर्चा हुआ, ठीक है, तो पैसे गए माइनस, और ऑनर्स इक्विटी भी क्या हो जाएगी, माइनस, लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आया तो हमने क्या लिखा, जीरो लिख दिया। लास्ट आते हैं एफ पे, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, पर्सनल यूज के लिए आपने क्या किया, पैसा निकाला है, तो पैसा आया गया, पैसा गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, और पर्सनल यूज यानी ऑनर्स इक्विटी आपकी कम हो, क्या होगी, ऑनर्स इक्विटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पैसा तो वजह से निकाल लिया, तो ऑनर्स इक्विटी भी क्या हो जाएगी, माइनस, बाकी लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, आप जीरो, ठीक है। पैसा गया माइनस, ऑनर्स इक्विटी भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बाकी लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आया। सवाल खत्म हो गया हमारा, ठीक है बच्चों, सर यासर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।